जदयू में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, सर्वे सर्वा है नीतीश कुमार, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री, उन्हें ही फैसला लेना है कि किसको मंत्री बनाएंगे, किसको विभाग देंगे। मंत्रिमंडल विस्तार होना है तब मंत्री बनने की होर लगी है, विधायकों में असंतोष भी है, चुनाव सर पर है, तो अभी तुरंत ही चलते सत्र में फिर कोई खेला ना हो जाए। जिन लोगों को मंत्री बनना है उनको अब 1 मार्च तक तो इंतजार ही करना होगा। जाति धर्म सबको साधने को ध्यान में रख करके मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जदयू में तो अधिसंघ पुराने चेहरे ही बनेंगे, वहाँ स्कोप कम दिखता है, हालांकि वहाँ भी असंतोष है, करना पड़ेगा और 1 मार्च के बाद ही विस्तार होगा। और देखिए ना, अभी तो 1 मार्च के बाद फिर चुनाव की घोषणा अगले ही महीने होने जा रही है, सेकेंड वीक में तो बिल्कुल होना ही होना है, तय उसके पहले विस्तार भी होगा। सर पूछे, सांसें थम रही थी, पसीना छूट रहा था, सरकार को कैसे हम सरकार बचावें। यदि अवध बिहारी चौधरी नहीं हटे होते तो फिर नीतीश कुमार को जाकर राजभवन में इस्तीफा देना पड़ता। अभी राजद बाहर हो गया, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ हो तो अपर एंड होता है जो पार्टी केंद्र में होती है उसकी, तो शायद वो रिजल्ट आने से रहे, ऐसा आकलन राजद को हो तभी तो नहीं चाहता था, इसलिए अभी उस संभावना को अभी इनकार मत कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में एनडीए सरकार बने हुए करीबन आधे महीने से ज्यादा हो गए हैं, वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सिर्फ 8 मंत्रियों ने शपथ लिया था, और जिस तरह से कहा जाए कि लगातार कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है, तो सवाल मेरा ये है कि क्या जिस तरह से बीजेपी जो मंत्रियों के शपथ दिलवाए थे वो जो फार्मूला से जातीय फार्मूला से दिलवाया गया था, तो क्या लगता है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार अगर होगा तो क्या बीजेपी जातीय समीकरण को देखकर मंत्रिमंडल बनाएंगे या पुराने चेहरे को ही देखेंगे, और वहीं क्या जदयू में भी कोई फेरबदल दिखेगा? इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार है अरुण पांडे। सर सर अभी तक पहले सबसे पहले सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने में इतना समय क्यों लग रहा है, सिर्फ 8 मंत्री ही सरकार को चला रहे हैं? देखिए, घटनाक्रम जो है 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने एक राजनीतिक निर्णय लिया और राजद और कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हो गए, 9वीं बार CM बन गए और उसी दिन 2 डिप्टी CM बीजेपी के बने। आपने ठीक ही कहा कि मुख्यमंत्री सहित 9 सदस्यीय कैबिनेट बन गया, और फिर 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना था, शक्ति परीक्षण होना था, मुख्यमंत्री वहां भी बिल्कुल सफलतापूर्वक राजद के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने में भी कामयाब हुए, और राजद के 3 विधायकों को अपने पाले में करके और 129 विधायकों का वहाँ बहुमत दिखा दिया। यदि उस समय आसन पर थे डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी, उनको भी गिने तो एक इसी सदन में जहाँ अब तक 128 सत्ता पक्ष का था ना, यही हम लोग जानते थे, 115 थे इधर, अब उसमें 129 मतलब 130 विधायक सरकार के साथ हैं, ये दिखा दिया। अब थी बात की मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 1 मार्च तक बजट सत्र चलना है, अभी आप जिस विधानसभा के सामने ये सवाल जवाब कर रहे हैं, जब मंत्रिमंडल विस्तार होना था कि वहाँ बीजेपी की वहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, तो बीजेपी के जो यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सम्राट चौधरी, और उपनेता हैं विजय सिन्हा, दिल्ली जाएंगे उस बैठक में और केंद्रीय नेताओं से परामर्श करके आएंगे, विस्तार हो जाएगा। बीजेपी जदयू में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, सर्वे सर्वा है नीतीश कुमार, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री, उन्हें ही फैसला लेना है कि किसको मंत्री बनाएंगे, किसको विभाग देंगे। आपने देखा विभाग का वितरण तो हो गया है बीजेपी में, 23 विभाग बीजेपी के पास हवाले कर दिए गए हैं, उसमें दोनों डिप्टी सीएम के पास 9 विभाग, 6 विभाग है प्रेम कुमार के पास, और उसी तरह से उधर भी बांट दिया गया है, लेकिन अब विभाग तो बांट दिया गया बीजेपी को, बीजेपी का जो मंत्री कौन होगा, जो एक आप सवाल ने किया, अब जो मंत्री बनने के लिए आपने देखा ना कि उसमें सत्तारूढ़ दल के 6 विधायक भी गायब थे, नदारद थे उस दिन जिसमें अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ आया, बीजेपी के भी कई विधायक आए, वही कहा 3 राजद के, 3 जदयू के और 3 बीजेपी के, ये संकेत है कि पार्टी में असंतोष है। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होना है तब मंत्री बनने की होर लगी है, विधायकों में असंतोष भी है, चुनाव सर पर है, तो अभी तुरंत ही चलते सत्र में फिर कोई खेला ना हो जाए, इसलिए विस्तार टाल दिया गया और 1 मार्च तक तो विस्तार होने से रहा। 1 मार्च तक नहीं होगा? नहीं, 1 मार्च तक विस्तार नहीं होगा, इन्हीं 9 मंत्रियों के बूते अभी हाउस सरकार चलाएगी और चल भी रहा है, आज 5 दिन बीत गया, लेकिन जिन लोगों को मंत्री बनना है उनको अब 1 मार्च तक तो इंतजार ही करना होगा। फिर आपने बात कह दी कि भाई जाति धर्म वर्ग को सबको, क्योंकि देखा गया कि जिसमें शपथ लिया गया उसमें सही किया, आपने देखा उसमें मुख्यमंत्री सहित 2 कुर्मी हैं, 2 भूमिहार हैं,
कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, आधी आबादी महिला कोई नहीं है। तो अब तो सब पर ध्यान, और यहाँ आपने देखा भी जातीय सर्वेक्षण नीतीश कुमार ने जो कराया उसमें 36% अति पिछड़े हैं, एक प्रेम कुमार बने हैं वहाँ। अब तो सब जाति धर्म वर्ग सबको तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब अब चुनाव भी सर पर है, यही जाति धर्म सबको साधने को ध्यान में रख करके मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जदयू में तो अधिसंघ पुराने चेहरे ही बनेंगे, वहाँ स्कोप कम दिखता है, हालांकि वहाँ भी असंतोष है, कुछ नए नए लोग चाहते हैं कि हमें बने। आप देखिए डॉक्टर संजीव के विरोध का कारण क्या था, और बिजेंद्र यादव जो 74 पार कर गए हैं वो मंत्री बनाए गए हैं, यही उनकी शिकायत थी कि भाई जो मंत्री वैसे लोगों को बना जा रहा कि क्या खूबी, हम लोगों में क्या कमी है, वो भी कई बार विधायक हो चुके हैं। बीजेपी में भी ऐसी ही बात है, आधा दर्जन से अधिक विधायक जो कभी मंत्री नहीं बने, 4 बार 5 बार वो विधायक बने हैं, जैसे संजय सरावगी हैं, कई सीनियर लीडर हैं जो मंत्री बने थे, तो कुल मिला 12-14 भी बीजेपी के विधायक का संतुष्ट बताए गए थे, 3 तो सामने आ गए जो लोग उस दिन अनुपस्थित रहे, तो इसलिए अभी विधायकों में असंतोष और होड़ के कारण विस्तार टाल दिया गया है। ये विस्तार होगा और विस्तार में फिर कई नए नाम हैं, कुछ नाम की आप चर्चा यदि पूछेंगे तो जैसे श्रेयसी सिंह हैं, नौजवान है उनका नाम हो सकता है, नीतीश मिश्रा की चर्चा है जो पिछली सरकार में नहीं बने थे, ऐसे कई नाम सामने आए हैं, और फिर सब स्टेट के सारे जगह का भी ध्यान रखा जाएगा। अब वो नीतीश अभी तो मांझी हैं भाजपा के कोटे में, उनकी शिकायत रही कि मंत्री का 2 पद मिलना चाहिए, हाँ 2 रोटी चाहिए, इस तरह के बातें करने लगे। ये बीजेपी का दर्द अब है, बीजेपी को उनको तो उनके लड़के हैं संतोष सुमन, उनकी यहाँ काउंसिल की मेमोरी भी, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो एक तो वो भी रिन्यूअल चाहिए। तो अब पिछली बार राजद के सहयोग से वो बने थे मंत्री, इस बार बीजेपी सहयोग करेगी, इसलिए कि जो 11 सीट के लिए विधान परिषद में चुनाव होगा अभी अगले ही महीने, वो भी संभावित है, तो उसमें 6 सीट मिलनी है इधर इंडिया के तरफ, अब 5 उधर जाना है विपक्ष के तरफ, तो विस्तार होगा, लेकिन जो मंत्री बनना चाहते हैं उनके लिए अभी वेट करना पड़ेगा, और 1 मार्च के बाद ही विस्तार होगा। और देखिए ना, अभी तो 1 मार्च के बाद फिर चुनाव की घोषणा अगले ही महीने होने जा रही है, 2nd वीक में तो बिल्कुल होना ही होना है, तो उसके पहले विस्तार भी होगा। लेकिन सवाल मेरा ये है सर कि आपने अभी बोला कि युवा को मौका दिया जाएगा, लेकिन आपने भी ये बात बोली कि कई विधायक हैं जो 4-5 टर्म से विधायक आ रहे हैं, उनमें असंतोष है कि हमें बनाया नहीं, क्यों गया न्यू लोग को दिया जा रहा है, तो ये भी तो उसमें भी तो असंतोष दिखेगा। ठीक कहा, देखिए असंतोष तो जब मंत्री बनने हैं बीजेपी से 15 मंत्री बनने हैं, जदयू से 13 मंत्री बनने हैं, तो कुल मिला तो मंत्रियों की संख्या तो सीमित है, 36 ही मंत्री बिहार में बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, और विधायक उनके कितने हैं टोटल, अब तो 130 ना गिनिएगा, तो 130 में कोई 36 ही लोग ना मंत्री बनेगा, और कोई कैबिनेट पूरी बनती नहीं है कभी, पिछली बार भी नहीं थी, कभी नहीं थी कि 36 के 36 मंत्री, 2-3 ऐसे भी खाली रखा जाता है स्ट्रेटजिकल। अब एक है कि संजय झा चले गए हैं राज्यसभा, आज जदयू में भी पूछ रहे गए, जदयू में कुछ नए चेहरे को जगह मिल, हो सके नीरज कुमार को जगह मिल जाए, नीरज कुमार की भी चर्चा, चौधरी की भी चर्चा है, वो तो रोज बाजू में ही रहते हैं, काफी करीबी भी हैं, जो दलित भी हैं, कोई दलित अभी कैबिनेट में नहीं आया है, लेकिन एक बात है कि 9 में 3 विधान परिषद के ही सदस्य बन गए अभी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संजय सुमन विधान परिषद के हैं, तो ये भी देखना होगा कि भाई जो निर्वाचित प्रतिनिधि है जनता से जो सीधे जिन कर आए हैं उनको पहले प्राथमिकता दें कि परिषद वालों को। सबसे बड़ा सवाल यही है सर कि देखा जाए तो जो निर्वाचित आते हैं उनको नहीं दिया जाता है, जो चुन के आते हैं उनको नहीं दिया जाता है, लेकिन MLC को बनाया जाता है मंत्री, जिसमें अशोक चौधरी को बनाया गया, कई बार जो MLC को बनाया, विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य ही तो मंत्री बनते हैं। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कब चुनाव लड़े, तो हमेशा रहे राज्यसभा के मेंबर रहे, और कोई मुख्यमंत्री बनता है तो अब तो भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद कब चुनाव लड़े, 2005 चुनाव लड़े, भले हैं, तो इसलिए तो जो राजनीतिक परिस्थिति बन गई है उस हाउस से बनते ही हैं लोग, कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हाँ जो निर्वाचित प्रतिनिधियों हैं नेचुरल उनकी आस रहती है कि हम जनता से सीधे जीत कर आए हैं, हमें अवसर मिलना चाहिए, तो नेता को नेता करना है। सर एक आपने बात बोला कि अभी मंत्रिमंडल इसलिए नहीं विस्तार किया जा रहा है कि सदन सत्र चल रहा है, इसके कारण कि कहीं कुछ खेला ना हो जाए, तो किस खेला के संकेत दे रहा है, ये थोड़ा समझाने में। सब आपने देखा अभी जो आपकी आपके सवाल पर ही मैंने कहा कि असंतोष था तभी तो 6 विधायक अनुपस्थित रहे,
उस दिन सच पूछे सांसें थम रही थी, पसीना छूट रहा था सरकार को, कैसे हम सरकार बचावें। यदि अवध बिहारी चौधरी नहीं हटे होते तो फिर नीतीश कुमार को जाकर राजभवन में इस्तीफा देना पड़ता, दृश्य बदल जाता, तो अल्पमत वाली सरकार न हो जाती। तब फिर वो जो असंतोष है, तो अभी अभी असेंबली में तो रोज रोज आपने देखा कि रोज बहस पर बजट पर चर्चा होती है, और इसमें कोई मनी बिल होगा, जिस दिन विधेयक होता है धन विधेयक, उस दिन यदि वोटिंग में सरकार हार जाएगी तब भी इस्तीफा देना होगा। इसलिए सत्र में कोई इस तरह का जोखिम, राजनीतिक जोखिम नहीं लिया जाता है। तो देखिए सत्र भी चल जाएगा, आप याद होगा पिछली बार कभी लालू जी की भी सरकार ऐसे ही चली थी, कई महीने चली थी, शुरुआत में कम लोग बने थे और चली थी। लेकिन हाँ, जो लोग मंत्री की आस लगाए हैं उनको तो अब इंतजार करना होगा। सर एक सवाल और है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक इशारा भी दिया था कि विधानसभा भंग करने की बात कही जा रही है, उसमें श्रवण कुमार ने भी आज बयान दिया है कि राजनीतिक संभावनाओं को खेल है, तो ये क्या समीकरण, किस तरह के बयान दिए, समझ में? देखिए पिछली बार भी ये चर्चा आई थी कि राजद और जदयू साथ था, तो राजद तैयार नहीं था विधानसभा भंग करने को, उसकी संभावना से अभी भी मत इनकार कीजिए। आज यदि इधर आए हैं, पता नहीं अब जो डील पहले भी डील हुआ था राजद और जदयू, तभी ना लोग कहते थे कि नीतीश जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे, यहाँ तेजस्वी संभालेंगे, फिर बाद में संभाला नीतीश जी कि नहीं नहीं 2025 के चुनाव में तेजस्वी चेहरा होंगे। मतलब ये साफ कर दिया कि तब तक तेजस्वी को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उधर से तो चाहत थी ना, और उस समय भी चर्चा होती थी कि नीतीश चाहते हैं कि इसी लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव हो जाए, तो राजद नहीं चाहता। अंतर नुकसान किसका होगा? तो जैसे सत्ता से अभी राजद बाहर हो गया, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ हो तो अपर एंड होता है जो पार्टी केंद्र में होती है उसकी, तो शायद वो रिजल्ट आने से रहे, ऐसा आकलन राजद को हो तभी तो नहीं चाहता था। इसलिए अभी उस संभावना को अभी इनकार मत कीजिए। लेकिन श्रवण कुमार तो बोल दिए राजनीतिक संभावना, तो मैंने कहा श्रवण कुमार जो बोल दिया कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि राजनीति तो सचमुच संभावनाओं का खेल है। अभी कौन दावा कर सकता है नीतीश जी के मन में, या नरेंद्र मोदी ने शायद साथ, लेकिन बीजेपी भी नहीं चाहती है कि साथ चुनाव हो, साथ चुनाव हो। हाँ, भी नहीं चाहती क्योंकि अभी लोकसभा में फोकस कर रहे हैं मोदी को लाने के लिए। ईयर एंड में अभी और कई राज्यों में चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव के बाद संभव हो उसके बाद हो, एक साल पहले हो, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव में तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती हुई है लोकसभा चुनाव के लिए, मिलकर साथ जीतना है, सब सीट पर फतह करना है। यानी कि कह सकते हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सेशन खत्म होने के बाद, तो पहले ही हमने कितनी बात इस सवाल को आप दोहराएंगे। अब सबको जो मंत्री बनना है वो बजट सत्र तक इंतजार करना होगा जो 1 मार्च तक चलेगा। तो क्या कुछ करे थे वरिष्ठ पत्रकार अनुर पांडे सर ने, आपने सुना जिस तरह से कहा जाए कि जो एनडीए सरकार बने हुए करीबन आधे मन से अधिक हो गए हैं, और बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, और इनका साफ तौर पर कहना है इस सत्र जब खत्म हो जाएगा तभी विस्तार होने की जो चर्चा है वो होगी। तमाम खबर बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।